वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी तो ऑल द क्लास टेन स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं क्लास टेन के सोशल साइंस का चैप्टर पावर शेयरिंग के सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका आने वाला हाफ एलियर एग्जाम हो प्री बोर्ड हो बोर्ड हो यूनिट टेस्ट हो या फाइनल बोर्ड एग्जाम हो सभी के लिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है यहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं एंड जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन के आ सकते हैं सभी को कवर कर रहे हैं हमने इस वीडियो में तो है? देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल इन बेल्जियम ठीक है तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो गाइज मैंने आपको था कि क्वेश्चन आंसर uh, आपको रट्टा मारने की लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिंपली चैप्टर पढ़ते पढ़ते इन सब चीजों को अपने दिमाग में बैठा लो इसलिए आपको फिर से अभी कह रही हूं अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है पावर शेयरिंग तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से जाकर पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए थे इतनी बातें बार बार रिपीट करा के कहीं थी कि ये इंपॉर्टेंट है इसे लर्न कर लो ठीक है तो अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर चैप्टर पढ़ो जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रखा होगा तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर पाओगे इवन देखते ही आपको आंसर पता होगा ठीक है और फिर जो है जैसे आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को चेक कर लोगे तो आप लोगों का भी भी हो जाएगा के साथ साथ ही आंसर आंसर राइटिंग फॉर्मेट समझ में आ आ जाएगा। हम इसको answer. तो इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम बहुत कॉम्प्लेक्स थी जैसे कि आपको याद है कॉम्प्लेक्स तो थी ही तो हम इसको मेंशन कर देंगे इतनी कॉम्पोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स थी अगर हम कंट्री के टोटल पॉपुलेशन की बात करें उसमें फिफ्टी नाइन परसेंट रहे कौन थे फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच लोग थे अगर हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो गाइज इस आंसर को आपको कैसे लर्न करना है एक पाई चार्ट बना लो ऐसे और पाई चार्ट बना के उसमें जो है लिख लो कि टोटल पॉपुलेशन में से 59 परसेंट कौन से थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वो डच भाषा बोलते थे ऐसे लिख लो ठीक है उस पाई चार्ट को देख लो तुम सेंटेंस तो बना ही लोगे ना अपने आप ठीक है अनदर फोर्टी लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच ठीक है फोर्टी वलोनिया रीजन के फ्रेंच बोलते थे तो ये ऐसे लिख लो फिफ्टी FD और फोर्टी डब्ल्यू इससे आपको याद हो जाएगा वलोनिया वाले थे फोर्टी परसेंट थे रिमेनिंग वन परसेंट ऑफ द बेल्जियम स्पोक जर्मन ठीक है एक परसेंट जर्मन वाले थे ठीक है अब बात करें उनकी कैपिटल सिटीज़ की ब्रूजेल की तो उसमें से एट्टी परसेंट पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती थी और ट्वेंटी परसेंट पॉपुलेशन डच बोलती थी तो ये राधा देन आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लर्न करो आप इस क्वेश्चन को की वर्ड टेक्निक से फ्लो चार्ट बना के लर्न कर सकते हो ठीक है? है ऐसे अपना बॉक्स बना लो उस पर लिख लो डच भाषा बोलने वाले फिफ्टी नाइन परसेंट थे कहाँ रहते थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे ठीक है फिर हो गया हमारा फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने थे थे हो गए वलोनिया रीजन में रहते थे ये डन इस तरीके से आप जो है बनाओ और लर्न कर लो आगे आगे देखते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम थी आपको याद होगा जब आपने चैप्टर तो पता, आपको पता है कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले चाहे वो थे माइनॉरिटी में पूरी कंट्री के अंदर पर वो क्या थे जो कैपिटल थे वहां पर वो मेजोरिटी में थे और मेजोरिटी में कैपिटल में तो थे ही वैसे इनके पास पैसा भी बहुत था ठीक है तो वो पावरफुल बहुत थे क्यों क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था इसलिए दस लोगों को लगता था कि भैया जो जितनी भी बेनिफिट्स है ना सोसाइटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट वो ज्यादा फ्रेंच लोगों को मिले इसलिए वो नाराज रहते थे उनसे ठीक है तो उन्हें लगता था कि हमें जो है पॉलिसीज जो बनी आज तक गवर्नमेंट की उनका हमें इतना अच्छा फायदा नहीं मिला जितने फ्रेंच पीपल को मिला है तो इसलिए उनके मन में एक डिसाटिस्फेक्शन सभी डिससेटिस्फेक्शन को वो कितने अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ठीक है थीके? तो इस चीज़ को कैसे लिखोगे द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल पहले बता देना माइनॉरिटी तो थी पूरे कंट्री में ये और ब्रिजेल्स में तो मेजोरिटी में ही थे बट फिर भी ये रिच थे और पावरफुल थे दिस वॉर रिजेंट रिजेंट मतलब नाराज होते थे स्पीकिंग इसकी वजह से क्योंकि उन्हें लगता था कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट डेवलपमेंट के उतने नहीं मिले जितने फ्रेंच स्पीकिंग को मिले हैं उन्हें एजुकेशन के बेनिफिट्स बाद में मिले फ्रेंच सिटीजन को पहले मिल गए थे वो पढ़ लिख के अमीर हो गए ठीक है दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग कम्युनिटीजी फिफ्टीज एंड सिक्स और ये टेंशन का माहौल क्रिएट करते हैं उन्नीस से उन्नीस में ये चीज क्या? क्या क्यों उन्हें लग रहा था कि उनको जो है इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गए हमें नहीं मिले हैं ये आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ के इसको लर्न करोगे और फिर बना के लिख देना अपनी लैंग्वेज में चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्क्राइब द एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ श्रीलंका ठीक है तो चलो कैसे करेंगे इसको भी ऐसे हम फ्लो चार्ट में लन हैं द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका स्पीकर लर्न कर लो श्रीलंका फ्लो चार्ट बनाओ ठीक है दो तो लोग थे सिन्हा सेवेंटी फोर परसेंट ठीक है देन तामिल स्पीकर्स एटीन परसेंट तमिल में भी दो ग्रुप्स थे एक थे श्रीलंकन तमिल और एक थे इंडियन तमिल दोनों की परसेंटेज पता है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में ठीक है अब आगे हम लिख देंगे कि इंडियन तमिल्स कहाँ से आए थे इंडिया से गए थे कहाँ गए थे श्रीलंका गए थे क्यों गए थे वर्क के लिए गए थे कलोनियल टाइम्स में ब्रिटिशर्स के ज़माने में जब टी प्लांटेशन होती थी, थी कॉफी प्लांटेशन होती थी उस जमाने में बहुत सारे इंडियन तमिल्स माइग्रेट करके कहा गए थे श्रीलंका गए थे फॉर द प्लांटेशन वर्क और फिर वहीं रहने लग गए ठीक है मोस्ट ऑफ द सिन्हा स्पीकिंग बुद्धिस्ट सिन्हा वाले कौन से बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम ठीक है इनफैक्ट एक और रिलीजन वहाँ पे सेवन परसेंट लोग वहाँ पे क्रिस्चन है वो वो तमिल एंड सिन्हालीस कुछ क्रिश्चन जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं कुछ क्रिश्चन है वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं ठीक है तो विद दिस आप ये आंसर भी इस तरीके से लर्न कर सकते हो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी बताओ बताओ जल्दी बताओ हमें पता है श्रीलंका को जैसे इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में द डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर टू एस्टाब्लिश सिन्हा सुप्रीमेसी सिन्हा की सुप्रीमेसी चल रही थी तो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ट्रिक तरीके से सॉल्व करो इंडिपेंडेंस बोले तो बता दो ना इंडिपेंडेंस कब मिली थी जैसे आपका एग्जाम आपके क्वेश्चन चेक करेगा उन्हें लगा भाओ आपको कितनी नॉलेज है आपने ये भी बता दिया अच्छा इंडिपेंडेंस पूछा नहीं है हमने बता दिया इंडिपेंडेंस कब मिली थी नाइनटीन में मिली

ठीक है तो डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग में क्या रिलेशन है तो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट है पावर शेयरिंग अगर मैं आपको कह रही हूं डेमोक्रेसी अगर मैं आपको कह रही हूं कोई स्टूडेंट एक नाइन्थ क्लास का टेंथ क्लास का मैं आपको कह रही हूँ कोई ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को इमेजिन करो ट्वेल्थ क्लास के एक भैया दीदी को इमेजिन करो तो आपका क्या लगेगा वो जो ट्वेल्थ क्लास वाले भैया दीदी है वो क्या कर रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अपने गोल के लिए जो भी उनका फ्यूचर गोल होगा वो उसके लिए डेडिकेटेड होंगे और वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे होंगे कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और साथी के साथ अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें अपनी लाइफ को इन्जॉय भी करें और साथी के साथ उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा एम होगा क्या एम होगा ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के कि येस उनका जो कॉलेज है उनका जो एग्जाम क्रैक करना है वो सब कर पाए ठीक है तो ऐसे ही आप इमेजिन के बारे में क्या है? वो गवर्नमेंट जो, जो जनता को जवाब दे रही है वो गवर्नमेंट जो, जो चेक और बैलेंस का सिस्टम चलाएस गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है तो गवर्नमेंट मनमानी कब नहीं कर सकती जब गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करती रहेगी गवर्नमेंट को भी देखने वाला कोई होगा गवर्नमेंट सिटीजन की बात मानेगी और वो सब का होता है पावर शेयरिंग में जब हम पावर को शेयर करेंगे हमने एक ऑर्गन बनाया जो एक काम करे हमने दूसरा ऑर्गन बनाया गवर्नमेंट का जो दूसरा काम करा है तभी तो एक दूसरे पर सब नजर रख पाएंगे स्कूल में क्या होता है एक मॉनिटर होता है एक मैम ब्लैक बोर्ड वाला इंचार्ज भी बना देती है एक मैम नोटबुक वाला इंचार्ज भी बना देती है एक मैम अटेंडेंस वाला इंचार्ज बना दिया है कि सारे काम सही से हो रहे हो पावर को शेयर कर दिया स्कूल में और टीचर्स के भी, भी कैसे होता है स्कूल में होता है जो पूरे स्कूल की जिम्मेवारी होती है जिन पर देन यू हैव योर कोऑर्डिनेटर्स विंग वाइज कोऑर्डिनेटर होते हैं जो आपके विंग को जो है वैसे, तो वो भी पूरे स्कूल का ध्यान रखेंगे बट स्टिल उनकी एक ड्यूटी होती है कि यस yes, उन्हें अपने पूरे विंग को ध्यान में रखना है देन यू हैव टीचर्स देन यू हैव क्लास टीचर्स ठीक है देन यू हैव द स्टाफ दैट टेक केयर ऑफ योर स्कूल देन यू आर द स्टूडेंट जिनको जो, जो है स्कूल में अच्छे से अपना जो है डिसिप्लिन रखना है साथी के साथ एंजॉय करना है, साथी के साथ अपने स्कूल का नाम रोशन करना है इसी तरीके से गाइज जो कंट्री है उसमें भी यही होता है पावर शेयर करते हैं हम गवर्नमेंट के बीच में सो दैट चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनता रहे और हर काम आसानी से होता रहे तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वो पावर शेयरिंग के बिना अधूरा है इसीलिए क्या है डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग आर रिलेटेड दे आर रिंग वो उनका एक रिलेशनशिप है ठीक है तो कैसे लिखोगे आप इसको डेमोक्रेसी का मतलब बताओ डेमोक्रेसी मीन्स गिविंग एवरी सिटीजन द राइट एंड पावर टू मेक डिसीजन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है, है हम अपने लीडर्स चूज कर सके पावर शेयरिंग इज डिवाइडिंग पावर अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स टू गिव देम इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर एवरी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर लैंग्वेज डिफरेंसेज फील इन्वॉल्व्ड इन द पावर सिस्टम पावर शेयरिंग एक ऐसा तरीका है जैसे आपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा था हम पावर शेयरिंग वेरियस सोशल ग्रुप्स के थ्रू भी जो है शेयर करते हैं तो पावर शेयरिंग जो है सबको एक मौका देती है जो है रिप्रेजेंटेशन में होने का और साथ ही के साथ डेमोक्रेसी के स्पिरिट को अलाइव रखती है तो ऐसे आप इसको आंसर कर सकते हो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्क्राइब द हॉरीजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हॉरीजोंटल वाला कौन सा है चेक एंड बैलेंसेज वाला ऐसे बना लो हॉरीजोंटल ये है हॉरिजोंटल हॉरिजॉन्टल में तीनों एक ही लेवल पे हैं तो कोई ऊपर नीचे नहीं है कोई बड़ा छोटा नहीं है ये सिस्टम कैसा होगा चेक करने का और बैलेंस चेक मतलब एक दूसरे को नजर रखने का ठीक है कुछ अगर कोई जो है किसी ने गलत डिसीजन ले लिया तो उस चीज़ को स्टॉप कर पाए वो और बैलेंस करने का इस सिस्टम को हॉरिजोंटल डिवीजन कहते हैं इसमें आता है हमारा लेजिस्लेटिव जो लॉस बनाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लॉस को एक्जीक्यूट करती है जुडिश्री अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो तो उन्हें सॉल्व करती है तो इसी चीज़ को लिख दो पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच स्टेट एक्जीक्यूटिव जुडिशरी ये अगर आपने ये ऐसा बना लिया ना एक डायग्राम सा इवन एग्जाम में भी आप अपना नीचे ये बना देना ऐसे ठीक है विजुअल आप लर्न भी करो विजुअल चीज़ें बना के विजुलाइज करके आप लर्न भी कर सकते हो साथ ही के साथ आप ऐसे जो है बना भी सकते हो छोटा सा कि आपने शो कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है वी कॉल दिस हॉरीजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर सब सेम लेवल पे है बट अलग अलग काम कर रहे हैं लेजिस्लेटिव का काम अलग एग्जीक्यूटिव का अलग जुडिश्री का अलग सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर इसका मतलब क्या कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं करेगा ऐसे हमने मनमानी कोई नहीं कर सकता है जैसे मोनार्की में हो जाता है ईच ऑर्गन चेक द अदर हर ऑर्गन दूसरे को चेक करता है दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफर इसलिए बैलेंस हो जाती है पार

डिफरेंट डिफरेंट कम्यूनिटीज़ को पावर देते डिफरेंट डिफेंट रीजनस को पावर देते हैं उसको कहते हैं पावर शेरिंग द पीपल एंड द लीडर्स ऑफ द नेशन रिस्पेक्ट द फिलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड रिजन द प्रिसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंटें फॉर द यूनिटी एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रसी डेमोक्रेसी की ग्रोथ और डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चलो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडेंशियल एंड मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग अब ये शॉर्ट फॉर्म में अभी ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में भी आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडेंशियल रीजन प्रोडेंशियल मतलब वो चीज होती है जो आप सोच समझ के आउटकम्स को डिसाइड करके जो आप डिसीजन लेते हो जैसे आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं तो भैया अब तो पढ़ना ही पड़ेगा अब नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे तो एग्जाम में जितना समय बचा है आपको जल्दी, जल्दी 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 पढ़ना है ठीक है एक हफ्ता बचा है तो यू नो आई हैव टेक स्टेप्स अगर नहीं आया तो मुझे आउटकम नहीं मिलेगा सोच समझ कि आपने जो है पढ़ना शुरू करा ठीक है मैंने बस आपको एग्जाम्पल और... लिए समझा जिससे आप समझो कि आउटकम्स को सोच के कि नहीं भैया अब तो एग्जाम आने लिया अब तो आउटकम चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा ये प्रोडेंशियल रीजन सोच समझ के मॉरल रीज़न आप जैसे ही क्लास टेन में आए आपने अपने मन में ठान ली एक मॉरल वैल्यू आपने खुद को दी आई एम मट क्लास टेन स्टूडेंट और अब बार मुझे खुद को प्रूव करना है आई वॉन्ट टू डू समथिंग ये मॉरल रीजन हो गया ठीक है दैट येस आई मिन क्लास टेन नाउ आई वॉन्ट कि मेरी ये क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास हो मेरी आज तक की लाइफ की ठीक है ये आपका मॉरल रीज़न हो गया प्रोडेंशियल रीज़न क्या एग्जाम्स आए हैं तो भैया मुझे नंबर चाहिए बढ़िया ये हो गया आपका प्रोडेंशियल रीजन आपको एक अच्छा आउटकम चाहिए समझ गए आप तो ये मैंने काफी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश है प्रोडेंशियल क्या मॉरल क्या ठीक है तो प्रोडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स तो प्रोडेंशियल रीजन वो होता है कि अगर आपने पोटेंशियल रीजन सोचोगे तो मतलब वो आपको बेटर आउटकम देंगे वेर आज स्मॉलर रीज़न विस इज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल मॉरल रीज़न वो होते हैं जो वैल्यूएबल चीज़ें हो गई पावर शेयरिंग करना क्यों है इंपॉर्टेंट है भैया डेमोक्रेसी मतलब भी पावर पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी जो का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पावर शेयरिंग वैसे आप क्लास टेंथ में आए हो मॉरल तो ठीक है आपको जरूर लगता होगा कि नहीं यार अब की बार वाली क्लास में तो मुझे बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है ठीक है आप वैल्यू देते हो उस चीज़ को तो ये मॉरल रीजन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट मेजर वाज अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रेमेसी क्या क्या अडॉप्ट करे थे मेजर्स उन्होंने सिन्हा सुप्रेमसी जो है चलाने के लिए श्रीलंका में तो नाइनटीन में उन्होंने एक एक्ट पास करा जिसमें उन्होंने सिन्हा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज प्रेफरेंशियल पॉलिसी देनी शुरू कर दी जैसे कि अगर कोई जॉब लेने जा रहा है किसी इंस्टीट्यूशन में अगर उसके सी पता है ना रेज्यूम जो होता है उस पर वो क्वालिफिकेशन कम देखते थे वो ये देखते थे अगर सिन्हाला है कोई और सामने वाला तमिल है अगर तमिल के पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा हुई है वो ज़्यादा एक्सपीरियंट है वो ज़्यादा कैपेबल है तब भी अगर इधर वाला सिन्हाला है तो वो कई बार प्रेफरेंशियल पॉलिसी लगाते थे वो सिन्हाला को जॉब दे देते दे थे तमिल को नहीं देते दे थे ऐसा होता था वहाँ पर ठीक है तो दे फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉर द सिन्हाला एप्लीकेंस और सिर्फ सिर्फ जॉब में नहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में भी कई बार ऐसा हो जाता था ठीक है तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन वॉट इज मेन बाय द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज तो मैंने आपको समझा दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लजिस्लेट एक्जीक्यूटिव जुडिश्रियरी होता है वो था आप रीड कर लो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज द कोलिशन गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार कई बार न्यूज़ चैनल पर आपने ये वर्ड सुना होगा मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि एग्जाम्पल दे कैसे बनती है कोलिशन गवर्नमेंट जा कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो काफ़ी सारी पार्टीज इकट्ठे आके अलायंस बनाती है और जब वो अलायंस गवर्नमेंट चलाती है तो उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट डेफिनेशन आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर कैसे होती है तो जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री में अगर जो है पावर शेयरिंग हम लोग करते हैं इन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जैसे कि हमने रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो निकाली है फॉर द सोशली डिसएडवाटेज ग्रुप्स हमने वुमेन के लिए लोकल लेवल पे जो है सीट्स को रिजर्व करा है तो दीज आर सम वेज जैसे हमने उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करा आंसर कैसे तो करोगे पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी ना बेल्जियम वाली याद है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में जिसमें उन्होंने कहा फ्रेंच लोगों को कोई दिक्कत है फ्रेंच वे कम्युनिटी गवर्नमेंट पर जाओ वो सॉल्व करेंगे भैया डच वालों को थोड़ी पता है तो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है अगर कोई लैंग्वेज आपके कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है कोई इशू क्रिएट हो गया है कि जो जो है फ्रेंच इंसान ही सॉल्व कर सकते तो उसके पास आपके फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो सॉल्व करेगी इसलिए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई थी तो ये एक एग्जाम्पल है पावर को शेयर करने का अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ठीक है फ्रेंच डच ये क्या थे ये वहाँ के सोशल ग्रुप्स ही तो थे ठीक है इतनी कॉपोजिशन नहीं तो थी वो उनकी अब इंडिया की अगर बात करें इन सम कंट्रीज जैसे हमारी कंट्री भी तैयार है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वे अब सोशल एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारी कंट्री में हमने सीट्स रिजर्व करी हैं काफी कॉन्स्टिट्युंसीज में वीकर सेक्शंस के लिए भी साथ ही के साथ लोकल लेवल पे वुमेन के लिए भी ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर एस सी एस टी एंड वुमेन इन लोकल बॉडीज ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट अभी तो बताया कम्युनिटी गवर्नमेंट का पूरा एग्जाम्पल आप ये वन टू थ्री पॉइंट को रीड कर लीजिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है वॉट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन द वलोनिया रीजन एंड वेलजिन का इस ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको एग्ज़ाम में ट्रिक कर सकते हो दो तुम्हें पता है तुम्हें पूरा लर्न करा है बट कई बार एग्ज़ाम में ऐसे हम कन्फ्यूज होते वलोनिया में डच वाले तो नहीं रहते थे फ्रेंच ही रहते थे ना तो इसलिए वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वो फ्लो चार्ट बताया था वो फ्लो चार्ट हर बच्चा अपनी नोट्स रजिस्टर में बनाना वो फ्लो चार्ट से आप कभी नहीं भूलने आ रहे हो जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हो और आप उसको देख रहे हो वो यहाँ पिक्चर ना सेव हो जाएगी आपके दिमाग के अंदर आपने लिखा आपने और वो आपने देख रहे होंगे जब उसको तो वो सेव हो जाएगा आपका वलोनिया में कौन से रहते थे फ्रेंच रहते थे कितने परसेंट एक बार लिख लो और उसको देख लो ठीक है तो वो जो है ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको तो वलोनिया में फ्रेंच लोग रहते थे ठीक है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में तीसरी कौन सी गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी तो ये देख रहे हो आप यहाँ मैंने वन वर्ड क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन एंड एंड में डाले सरा कई बार ऐसा हमें लगता है हम कि जब हम वन लाइन क्वेश्चन कर लेते ना दस बारह पहले तो हमें लगता है अरे बहुत सारे क्वेश्चन कर ले नहीं मैंने स्टार्टिंग में थोड़े लॉन्ग डाले बीच में शॉर्ट डाले आप वन लाइन भी आएंगे मैंने मिक्सचर बनाया है इस सीरीज के क्वेश्चन आंसर का सो दैट आप बोर ना हो एक इतने सारे लॉन्ग आंसर एक साथ पढ़ने बैठने के लिए मिक्सचर मैंने idea so that हम लोग जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाए ऐसी मैं आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ तो उसके लिए आप जो है चैनल को मेरे चेक कर सकते हो और कोई क्वेरीज है तो पूछ भी सकते हो व्हाट इज़ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर वर्टिकल कौन सा डिवीजन होता है गाइज़ ये होता है वर्टिकल डिवीज़न ठीक है जैसे वर्टिकल लाइन होती है और वर्टिकल डिवीजन में लेवल्स होते हैं जो सबसे ऊपर वो नंबर वन ये नंबर टू पे ये नंबर थ्री पे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री मतलब पावर नंबर वन पे सबसे ज़्यादा नंबर टू पे उससे कम नंबर थ्री पे उससे कम ठीक है तो ये होता है वर्टिकल डिवीजन इसमें क्या होता है गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है जैसे कंट्री की गवर्नमेंट होती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है और हो गई अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट जैसे यूपी की गवर्नमेंट बिहार की गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट ये स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बन गई ठीक है तो पावर को डिवाइड कर दिया ना हमने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दे दी थर्ड लेवल पर भी डिवीजन होता है जैसे हम म्यूनसिपल कॉपोशन बना देते हैं शहरों के अंदर भी भाई शहरों की समस्या अगर डील करनी है तो वो जो है लोकल लेवल पर पावर दे दी जो शहर में जो लोग रह रहे हैं वो उसे सॉल्व कर पाए ठीक है तो म्यूनसिपल कॉपोन आते हैं अगर गाँव में जाओ तो शायद शहरी जने को गांव के प्रॉब्लम नहीं पता होगी वहीं पे जो लोग रहे उन्हीं को अगर हम लीडर्स बनाए उन्हीं को जो है रिप्रेजेंटेटिव वहां से हम चूज करके उनको कुछ पावर दे दे तो वो गांव की की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे वो हो जाता है पंचायत तो ये होता है लेवल वाइज डिवीजन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉपरेशन एंड पंचायत ठीक है तो ये होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर तो यह आप रीड कर सकते level, division, union, same, हो सेम ही बात है वन पावर इज शेयर अमंग गवर्मेंट एट डिफरेंट लेवल इट इज़ नोन एज वर्टिकल डिवीजन जैसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेम कन्फ्यूजमथ होना देन स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉपोरेशन म्यूनिपलिटी या फिर आवर पंचायत दिस डिवीजन ऑफ पावर इनवॉल्व हाइयर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन वर्टिकल वे इस इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ इज बेल्जियम पावर शेयरिंग पार्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री तो कैसे है डिफरेंट जो है पाथ बेल्जियम का चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को तो द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट तो द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय द बेल्जियम लीडर्स बट डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री तो आप होगी क्या डिफरेंट था उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा टू रिकोगगनाइज एक्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस कल्चर डाइवर्सिटी रीजनल डिफरेंस और कल्चर डाइवर्सिटी के डिफ्रेंस को समझते हुए उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार हम एंड करता है जरा बताना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार हम एंड करा था वेलियम्स ने तो मुझे जल्दी से वो कॉमेंट सेक्शन में बताओ नाइनटीन सेवेंटी से नाइनटीन थर्टी नाइनटी थ्री तक वो कितनी बार उन्होंने चेंजेस लाए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में द मेजर एलिमेंट्स क्या है तो गाइज आप एमेंट्स समझा देना बस इसके और कुछ नहीं करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंटर गवर्नमेंट दोनों इक्वल रहेंगे देखो क्वेश्चन कितना ट्रिक क्वेश्चन है कि कैसे बेल्जियम का पाथ डिफरेंट था बाकी कंट्रीज से तो कुछ नहीं करना यही समझाना है बेल्जियम ने कौन सा पाथ फॉलो करा था तो भैया वैसा पाथ दूसरी कंट्रीज़ ने फॉलो नहीं करा तो ऑब्वियसली वो उससे डिफरेंट हो गया ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आपको लगेगा हमें शायद कुछ और बताना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट था नहीं आप बताओ बेल्जियम का पाथ ऐसा तो डेफिनेटली तो समझ में आ रहा है कि येस दे अडॉप्टेड समथिंग डिफरेंट नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरी एक कम्युनिटी एक अकेले अकेले डिसीजन नहीं ले सकती द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी हमने पढ़ा था ब्रूजेल्स की जो कैपिटल थी उसकी सेपरेट गवर्नमेंट बना दी एक थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी और जो है बहुत सारे उन्होंने जो है तरीके अपनाए जिससे कि वो अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी एंड जस्ट माहौल बना पाए तो ये सब यहाँ गिवन है आपको ये तो पता ही है ना क्या मॉडल उन्होंने फॉलो करता है वही आपको लिख देना है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द बेल्जियम एंड द श्रीलंकन मॉडल ठीक है गाइज अब बेल्जियम का मॉडल यहाँ पे समझा देना ठीक है और अब यहाँ पे श्रीलंका का समझा देना एंड यू हैव क्रिएटेड द डिफरेंस आपने दोनों के मॉडल के पॉइंट्स बता दिए दैट मीन्स आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है इन श्रीलंका देर आर टू मेजर कम्युनिटीज बता दो वहाँ पे भी टू थी बट उनका अलग था सिस्टम इनका अलग था ठीक है आप सबकी फीचर्स बताओ जैसे आप बताना वहाँ बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बार अमेंड करा यहाँ बताना कि जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने सुप्रीमेसी के लिए एक्ट भी पास कर दिया था नाइनटीन के अंदर जब आप ये सब बातें बताओगे डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो जाएगा अगर डिफरेंस वाले कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक और बार ऐसे मत करना जैसे मैंने करा बोर्ड पे आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कोशिश करना कि आप ऐसे लाइन डाल के सॉल्व करो ठीक है ये आपको बहुत हेल्प करेगा टीचर देखेंगे आपने यहां पे ऐसे ये lines बता ही बताई हैं हेल्प मिलती है ठीक है तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट पावर शेयरिंग कीप्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अभी इतने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ये रहा इसका आंसर गाइस चेक कर लो ठीक है और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म तो जब मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अपनी विल जो है वो इम्पोज करती है अपना आप कह सकते डोमिनेट करती है वो हो गया मेजोटेरियनिज्म गिव थ्री प्रोडेंशियल रीजन तीन प्रोडेंशियल रीजन देने हैं प्रोडेंशियल रीजन अभी आप मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल से बताया ना कि एग्जाम आने वाले हैं तो स्ट्रैटेजी क्या लगानी है पढ़ाई लगा करनी है जैसे कि अच्छे नंबर आप अच्छे नंबर आएंगे आपको रिजल्ट मिल रहा है अपने प्रोडेंशियल रीज़न इनका रिजल्ट मिल रहा है पता चल रहा है यस अगर डेमोक्रेसी में पावरशनिंग अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें फायदा मिल रहा है जैसे डेमोक्रेसी में जब हमने पावर शेयरिंग करी जैसे जब बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी तो पॉसिबिलिटी जो थी कॉन्फ्लिक्ट्स की वो रिड्यूस हो गई अब उन्होंने पावर शेयरिंग कर ली सबको अपना अपना अधिकार दे दिया तो वहां जैसे श्रीलंका ने नहीं करा तो वहां डिस्प्यूट अराइज हुए सिविल वॉर हो गया तो प्रोडेंशियल रीजन यानी कि अगर आप पावर शेयरिंग करोगे डेमोक्रेसी में आपका आउटकम मिलेगा तो प्रोडेंशियल रीजन ये रहे तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्टेड है आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को आंसर एक्सेस करनी होते हैं बोर्ड पे से सारा कुछ नोट डाउन नहीं हो सकता है तो या तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे चेक कर सकते नहीं

हॉरीजोंटल फॉर्म में पावर शेयरिंग होती है इस आंसर को ऐसे लर्न करना हॉरिजॉन्टल वाला अभी ऊपर समझाया ना जिसमें लेजिस्लेटर एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है तो जहाँ आपकी बुक में नोट्स बने हुए हैं छापे वाला क्वेश्चन है उसके साथ में ऐसे अपने पेंसिल से बनाते रहो ठीक है जिससे कि जब आपको ये आंसर रिवाइज करना हो आपको पूरी पूरी लाइने भी ना पड़नी पड़े तुम खुद से आंसर बोल रहे हो हॉरिजोंटल में लेजिलेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पावर शेयर करते हैं ठीक है चेक आउट बैलेंसेज का सिस्टम रहता है यहाँ पे जो है नेक्स्ट होता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ये होगा ऑर्गन्स ऑर्गन्स क्यों जैसे कि आपकी बॉडी है ठीक है आपकी बॉडी में आपका हार्ट भी आपके लिए काम कर रहा है आपकी लंग्स भी आपकी किडनीज भी आपकी आइज़ भी ये सब आपके ऑर्गन्स हैं इन सभी की अपनी अपनी अहमियत है गवर्नमेंट में ये जो ऑर्गन्स हैं इनकी अपनी अपनी अहमियत है सब जो है मिलकर काम कर रहे हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आ गया स्टेट गवर्नमेंट इसमें आ गया यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और इसमें क्या आ जाएगा यूनियन स्टेट और जो लोकल लेवल पे डिवीज़न होता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इसमें क्या होता है जब हम अपनी कंट्री में जब सोशल ग्रुप्स को रिकॉग्निशन देते हैं जैसे बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया और जैसे इंडिया में रिजर्वेशन है एस सी एस टी के लिए और वुमेन के लिए वो हो गया ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करना नेक्स्ट पावर शेयरिंग पोलिटिकल पार्टीज़ जो आप देखते हो जब इलेक्शन होता है इतनी सारी पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे सामने जो है अपना पूरी पॉलिसी रखती है और हमें जो पसंद आती है हम उन्हें वोट डालते हैं और वो फिर हमारे

ज़्यादातर जो है बीच में बहुत सारे शॉर्ट भी थे अगर आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो टेन क्वेश्चन होंगे टेन ट्वेल्व क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं बाकी वो वन लाइन वाले तो अगर आपने वो कर लिए तो, तो आपको आते ही होंगे तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया आपको ये चार्टर पूरा प्रिपेयर हो चुका है आप बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो जल्दी से ये सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो कोई क्वेरीज है तो पूछ लो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाकर मेरी वीडियो से आगे चैप्टर पढ़ सकते हो आपको चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड नोट्स एक्सेस करने के लिए भी बता दिया है ऐसे अगर आपको क्लास टेन की इंग्लिश पढ़नी है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एस एस टी के चाहिए यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल और मैं मिलती तो हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बबई टेक केयर बेस्ट ऑफ यू